और जी अलग खुवा आई होप आप लोग सारे खैरियत से होंगे ठीक ठाक में खुश होंगे भाई आज के जो हमारी गेस्ट हैं वो इंडस्ट्री का एक बहुत जाना माना नाम है और मतलब जो घर की खातीन है वो तो लाजमी इनको जानती हैं हम सब जानते हैं एंड हमारे साथ आज है मिस नाजिया मलिक कैसी हैं है मैम आप ठीक ठाक हैं बिल्कुल ठीक है आप कैसे हैं ठीक ठाक बहुत ठीक हूँ और मैं टू बी ऑनर में बहुत नर्वस भी हो रहा हूँ क्यों यार मतलब से लेकिन ये कि आप, इसलिए आप मुझे ऐसी बना रहे मुझे नहीं, नहीं नहीं मैं नहीं बना रहा <laughs> मैं, कैसी आप बताएं ठीक ठाक बिल्कुल ठीक ठाक एंड थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग मी और so बड़ा मज़ेदार सब्जेक्ट है बहुत अच्छा है बड़ा इंटरेस्टिंग है जिससे मैं हमेशा बोलना चाहती थी लेकिन आपको पता है कि हमारे टेलीविजन पर ये चीजें नहीं आ सकती यार मुझे एक बात बताएं आपका तकरीबन बीस साल आपको हो चुके हैं इस हाँ, फील्ड में इंडस्ट्री हाँ, में माशाल्लाह से क्या मैं ये पहला सवाल मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि टेलीविजन पे ये चीज़ों की कोई रिस्ट्रिक्शंस या इस तरीके की कोई चीज़ हैं थी या क्या सीन इसका? अच्छा पहले नहीं थी लेकिन इसको बड़ा मिस किया गया जाली चीज़ें दिखा कर भी हाँ। कुछ मॉर्निंग शोज में ऐसा हुआ हाँ। और लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है उस वक्त बहुत बुरी लगती थी चीज़ें कि ऐसा क्यों हो रहा है लेकिन लोग हमारे जो है ना वो बड़ा सीरियसली ले रहे थे चीज़ों को और आज जो कुछ हाँ। भी मैं कहूँगी उसमें सारी बातों में सदाकत भी है और ज़्याप है अपने साथ बीती भी कुछ ऐसी कहानियाँ जो सुनाऊंगी और दूसरा ये कि हमारे यहाँ पे सिर्फ दिखा दिया जाता है उसका हल नहीं बताया जाता तो हाँ बेसिकली प्रॉब्लम रेटिंग के लिए सब चीज़ें हो रही हैं लेकिन कुछ चीज़ों के नॉर्म्स होते हैं कि आपने क्या चीज़ दिखानी है और फिर उसका उसका सबक जिसे कहते हैं ना सबक आमोज चीज़ होनी चाहिए उसका रिजल्ट तो बताएं कि क्या एंडिंग क्या है इसका एग्जीक्यूशन इसका जो एक अम, जो एक पूरा एंडिंग है उसमें आपने क्या आपको जो है लेसन मिला इससे तो नहीं होता नहीं दिखाते आपके, सिर्फ दिखा दिया जाता है एंटरटेनमेंट हो जाती है उसके अलावा कुछ नहीं। एक एक मेरे पास गेस्ट आए थे एक साहब आए थे जिनको हाँ। मैं नाम भूल गया अच्छा वो खैर भूल गया मैं लेना भी नहीं चाह रहा <laughs> खैर नाम याद आ गया हाँ। मुझे हाँ। उनका सीन ये कि वो एक मॉर्निंग शो में गए रेगुलर बेसिस पे मतलब समझो उनकी तो हफ्ते की दिहाड़ी का सीन था कि बाबा जी आप आ जाए अब वो कैरेक्टर थे हाँ। वो कभी वो पानी वाले बाबा बन जाते कभी वो धागे वाले बाबा बन जाते हाँ, हाँ। और वो ऐसा नज़र का धोखा वो मेरे सामने बैठ के उन्होंने वो चीजें गायब कर दी ये कर दिया वो कर दिया और वो मतलब टस से मस नहीं हुए हाँ। अब देखिए जमाना चेंज हो चुका है डिजिटल का दौर है हमारे यहाँ लोग इतने तेज हैं उन्होंने वीडियो का स्क्रीनशॉट लिया लिया मेरी पॉडकास्ट हाँ, का और बताया हाँ. अजलान भाई इन्होंने अंगूठा पहना हुआ यहाँ सुई यहाँ छुपाई यहाँ लीम किया ये अब किया, नहीं हो सकती है वो चीज अब ना, नहीं छुपाया जा नहीं हो सकता अब देखे ना हर चीज जो है ना वो ओपन होगी दो मिनट पकड़ मैं बता रही हूँ 2012 की बात और जो सी एन में थी एक शो किया था इस तरह से कि जाली बाबा दिखाया फिर हमने उसके बरक से एक शो किया जिसमें हमने जाली बाबा दिखाया सारे करेक्टर्स थे हम लोग उसमें वो जिन मिना भी गए और पूरा वो एक्शन भी दिखाए सब कुछ हुआ और एंड हमने दिखाया कि देखें, देखें दिस इज ऑल मेड अप थिंग मतलब एंडिंग ये थी तो हमने कुछ उसके रिजल्ट भी दिखाया अच्छा यहाँ मैं आपको एक चीज हाँ। बताता हूँ मैंने भी ये किया हाँ। तो चाचा ने सारी जादू वादू करके दिखा दिए ना तो मैंने तो उनको पकड़ लिया था मैंने बोला आप तो झूठ बोल रहे हैं हाँ। और मैंने सब कैमरे में बोला कि भाई ये सब ड्रामा है सब धोखा है इनकी बातों में नहीं आना मेरा इनबॉक्स अल्लाह अकबर गोवा वियतनाम इंडोनेशिया दिल्ली एंड पाकिस्तान यहाँ के लोगों के इनबॉक्स मेरे पास भरे हुए हैं कि हमें इन हजरत साहब का नंबर चाहिए हम बहुत परेशान हैं बगैर एंड देखे बगैर उन्होंने बस वो स्टार्ट के वो ये तो ये हाँ। देख लिया और उन्होंने कहा बाबा यही है यही है यही है जो मसले का निकाल ये वाला मसला था जिसकी वजह से इन सब चीज़ों को ख़त्म किया गया और रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई और ब्लॉकेज आया वरना तो आपको नहीं पता कि यहाँ पर तो दुकानों की दुकानें खुलने लगी थी लोगों की मतलब ये एक दिन मैं और आप भी ऐसी बहुत कमा रहे होते नहीं टू बी <laughs> मुझे तो मुझे, अच्छा, मुझे, अच्छा मेरे पास भी लोग आ गए हैं हाँ। हमारे ये मसला तो है, है? है तुम्हारी तो... कुछ पता नहीं आप मसला सही बता रहे हो इसलिए हल भी करवाना चाह रहे हो पता नहीं क्या अच्छा कुछ वैसे इन्वेस्टमेंट ज्यादा नहीं है एक छोटी सी जगह लेनी है वहाँ पे आना है और देखिए हर एक का एक ही मसला होता है कि पैसे नहीं है आ, बीवी शोहर हाँ, सास, सास किसी ने धोखा दे दिया पर, और इसके अलावा ये कि को कर्ज लेकर चला गया या किसी ने कारोबार तो तो इन सब के हल भी एक ही हैं, तो मुश्किल काम नहीं है वैसे हाँ, खोल लेना चाहिए ना। आप तो आप तो लंबी दाढ़ी रख के जो है हाँ। पर मेरा मैं क्या करूँगी बता नहीं बुरखा मैं आपको एक चीज बताता हूँ ना इस तरीके का जो भी होता है वहाँ पे एक तो होते हैं बाबा हाँ। क्या वो बाबा बैठे हुए हैं बाबा यूं, यूं सर वो झूम रहे हैं और वो और साथ में जो ना ऑडियंस में ही उनकी एक चेली और कुछ वो होते हैं कि कल रात बाबा को जो है ना वो बाबा इबादत कर रहे थे तो कमरे के अंदर हम गए तो बाबा जमीन से चार फिट ऊपर थे

मतलब टी वी एक ऑडियंस है तो क्या लगता है कि उस टीवी से लोग वायरल होते थे तब आ... हाँ, हाँ बहुत फेमस हो जाते थे मतलब हमने अपना टाइम भी देखा हुआ है जब दो हजार पाँच में किचन क्वीन किया करती थी शो मतलब हमें कहीं पर जाना मुश्किल हो जाता था हर जगह पर लोग आपके आगे पीछे और अब ये कि अब अब बहुत ज्यादा मतलब मीडिया जो है एडवांस हो गया हर कोई जो है मतलब एक तरह का अपना काम भी कर रहा है मीडिया में भी काम कर रहा है वो स्टार वैल्यूज जो है ना वो अब बहुत कम रह गई हैं थोड़ी सी रह गई हैं तो ये कि अभी भी मतलब ये नहीं है कि वो वैल्यू नहीं मिलती मतलब पहले वैल्यू मिलती है थी अगर हाँ। अब, अब पता क्या होता है मैं आपको सही बताऊं अब मैंने कई जगह साथ एक दफा मेरी एक दोस्त थी वो ब्यूटिशियन है सब उसका भी तस्वीरें खिंचाई चलो मेरे साथ खिंचाई उसका भी खिंचाई बाद में कहते हैं आप कौन से ड्रामे में काम करती हैं मतलब अब ये वाला दौर आ गया कि लोगों को नहीं पता होता पता होता है कि हाँ ये कोई अच्छा सा गेटअप किया हुआ है एंड चीज़ माशाल्लाह वेरी प्रिटी वेरी ब्यूटीफुल तो वो ऑटोमेटिकली वो शोबिस की तो मुझे उससे पूछा कहती है मुझसे क्यों तस्वीरें मेरे साथ क्यों खिंचवा रहे थे मैंने कहा तुम्हें भी सेलिब्रिटी समझ रहे थे वो हाँ। और मैंने कहा तुम अपनी जगह हो क्योंकि तुम अच्छा काम कर रही आर हाँ। सो केयर ऑफ योर सेल्फ सो नाइसली तो वाई नॉट आई मीन ठीक है सही क्या हर कोई अपनी जग, अपनी जगह पे स्टार है इस वक्त आ, एक लहर आई है टिकटॉक पे जो वीडियोस वायरल हो जाती हैं हाँ। जैसे एक लड़की आयशा की एक वीडियो डांस करते हुए बड़ी गई थी मेरा हाँ। दिल के पुकारे आ जा नाइट फेम मिला एंड uh, इस तरीके से ओवर नाइट फेम्स जो होते हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे आपका क्या उसमें uh, आप क्या कहती हैं, क्या समझती हैं कि क्या, क्या ये लॉन्ग टर्म होते हैं या ये बस ओवर है तो बस वो एक रात या कुछ टाइम का ही फेम होता है Uh, देखो अगर टैलेंटेड है ज्यादा नॉट आई एम मैं उसका बता शी इज टैलेंटेड राइट ठीक है ना तो उसका ये सीन है कि वो टैलेंटेड चल गई hmm. अच्छा वो काम भी कर रही है अगर टैलेंटेड नहीं है तो वो एक, एक दफ़ा का फेम होता है और इसी तरह हमने कई ऐसे ड्रामा आर्टिस्ट भी उस टाइम पर देखे हैं जो एक दफ़ा में बस काम किया उसके बाद उन्होंने दोबारा काम मौका नहीं मिला चांस नहीं मिला काम उतना अच्छा कर नहीं पाए या वो एक ही रोल उनके लिए सूट करता था दोबारा वैसा कोई रोल नहीं मिला तो ऐसी चीज़ें हो जाती हैं और अगर टिकटॉक पर भी सोशल अब क्योंकि हम थोड़ा एडवांस चले mm. गए हैं जिंदगी में तो सोशल मीडिया में अगर कोई ऐसा है एक टाइम के लिए उसको फेम मिला तो इट्स के सही है mm. अच्छा है उसने अपना अपना वो टाइम एंजॉय किया उस चीज़ को हाँ, उस लेकिन अगर कोई सस्टेन रखना चाहता है इस चीज़ को हम अभी भी बीस साल हो गए हैं अभी भी काम कर रहे हैं अभी भी शोज में काम करते हैं और अपने आप को दिन ब दिन हमने बहुत पॉलिश किया है अब मुझे चीजें और तरह से नजर आ रही होती हैं अब मुझे मैं अब जो बिल्कुल काम अब मुझे डबल काम करना पड़ता है पहले मैं रिलाई कर रही होती थी अब मैं हर चीज़ खुद देख रही होती हूँ क्यों क्योंकि अब आप और परफेक्ट चीजें अब आप जो है सामने लेकर आना चाह रहे होते हैं तो इसलिए मैं कहती हूँ कि ठीक है आप अगर काम कर भी रहे हैं तो सही आगे करें एक एक बहुत ही फेमस मैं नाम नहीं लूँगी टिकॉकर है अब वो वैसे देखने में बहुत खूबसूरत है बहुत प्यारी है लेकिन वो कहती है कि मैं ड्रामों या फिल्मों में नहीं आना चाहती क्योंकि oh, उसकी आवाज़ ही नहीं अच्छी हाँ नहीं ऐसे तो बहुत सारे टिकट उसकी आवाज़ में अपने आवाज पे काम भी नहीं करती आपको पता है मेरी ऐसी आवाज़ नहीं थी ओके डिफरेंस बता रही हूँ आपको मेरी बहुत बारिक सी आवाज़ थी मेरी आए, अच्छा। ऐसी आवाज़ थी इस टाइप की ओह मैंने अपनी आवाज़ बनाई एंड आई स्टिल थैंक्स टू डायरेक्टर आसिम अली जिन्होंने मुझे समझाया कि तुमने अपनी आवाज़ को डेवलप कैसे करना है बाद में मैं सुनती थी मैं बड़े बड़े जो हमारे सीनियर्स हैं उनके साथ बैठती थी सुनती थी उनकी बातें वो कहते थे पेट से बोलना ये वो डायफ्राम से, से बोलो एग्जैक्टली exactly, फिर हलक से बोलना जबान से ज़्यादा नहीं बोलना तो हमने बहुत सी चीज़ें सीखी हैं चेंज लेकर आए हैं चीज़ों में तो आपने ये कह दें अगर आप मतलब इस तरह से फेमस है उसके अपना वो वैल्यू उसकी टिकटॉक की है लेकिन अगर आप अपने आपको और क्योंकि एक टाइम है उस टाइम के बाद क्या करेंगे हुँ. तो अगर आपको अपने आपको मनवाना है तो इस तरीके से लोग मनवाते हैं हाँ अपने आप को आपको फिर चेंज करना पड़ता है और आपको अपने आप को वैल्यूएबल इसी तरह से बनाएंगे जब अपने अंदर आप कुछ अच्छे अच्छा चेंज लेकर आएंगे अगर आपको कुछ आगे ज़िंदगी में बढ़ना है वरना एक वक्त में आप बूढ़े हो जाएंगे उसका क्या करेंगे ठीक है फिर उसके लिए आप कुछ और फिर प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म ढूंढना पड़ेगा कोई और बिजनेस देखना पड़ेगा कोई और काम देखना लेकिन कोई भी काम ना प्रोफेशनली करें मुझे एक दफ़ा अभी किसी ने ये भी बोला कि आपको भी शायद नहीं पता होगा कि मैं मुझे अक्सर लोग कुकिंग शोज में नजर मुझे देखते हैं कि मैं कुकिंग भी कर रही हूँ कहते हैं हाँ आप तो आपने कुकिंग भी करना शुरू कर दी अरे भाई कुकिंग इसलिए कर रही हूँ कि सर्टिफाइड शेफ़ हूँ दो में मैंने सर्टिफिकेशन ली थी और एक साल का कोर्स किया था पूरा और नहीं, ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं मुझे कोई कुछ कह सीख कर मेकअप भी है इंटरनेशनली सर्टिफाइड हूँ मेकअप में सीख कर आए मतलब hmm. ऐसे उठा के नहीं आना मतलब कि चलो भाई। ए, हाँ इंस्टा से देख कर ना एक उसको <laughs> <कसीख लिया। laughs> देखती हूँ मैं कहती हूँ हाई बच्ची को ये भी नहीं पता कि यहाँ तक लाइनर यहाँ नहीं जाना यहाँ तक रहना या यहाँ तक रहना लाइनर तो यहाँ नहीं जाना कुछ नहीं पता होता सीरियसली तो वो देख कर आपको चीजें नजर आ रही होती एक दफा मैंने एक कुकिंग शो देखा और बहुत बड़े चैनल पे बड़ा वाला चैनल जिसको कोई पसंद नहीं करता वाला चैनल अच्छा था okay. ना तो उधर एक लड़की कुकिंग कर रही थी तो वहाँ पर जो है ना नहीं 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 वो वाला चैनल ना जो अपना को नंबर वन कहता है सॉरी सॉरी हाँ उसमें अच्छा, ओके। okay. वो दूसरा वाला चैनल नहीं था तो वहाँ पर जो है ना लड़की आइसक्रीम डाल रही और आइसक्रीम सारी ऑन एयर नीचे गिर रही फिर उसी उसी चमचे को पड़ा उठा कर उसी ने बस उसी। आपने ना हाइजीन का ख्याल ना घरेलू शेफ हैं वो सॉरी जो खात घर में पकाती हैं, आप घरेलू शेफ हैं, नहीं बहुत फर्क होता है जब आप सर्टिफाइड होते हैं आपको एक एक चीज आपको नजर आती है कि आपने किस तरह से कुकिंग करनी है कैसे करनी है का कि ठीक है अच्छा ऐसे बनेगा बिरयानी ऐसे बनेगी लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता अम्मी ने मुझे कहा थोड़ा इंसान बन तू तो बना के निकल जाता है, बाद में मुझे काम करना पड़ता है फिर बाद में वरीशा ने मुझे थोड़ी तमीज सिखाई कि नहीं थोड़ा साफ सफाई जो है ना बड़ी जरूरी होती है हमें ये भी सिखाया जाता है कि जब आप काम कर रहे हो तो, मुझे तो, मुझे तो फ़ौरन फॉरन फॉर फॉर आपकी जगह गंदी नहीं होनी, नहीं चाहिए।, नहीं होनी चाहिए।, चाहिए तो मेरे हस्बैंड जो कभी पकाते हैं हुँ। हुँ। उनको ही कहती हूँ अगर आपको अच्छा शेफ़ बनना है तो आपने सफाई का ख्याल रखना है अच्छा। <laughs> प्लीज़ मेरे ऊपर ना छोड़ दिया कभी कभार <laughs> ऐसा भी होता है ना पहले मैं ये भी करता था जैसे होता है ना कि मैं कुकिंग शो अम्मी के साथ बैठता देखता था वो कभी शेफ जाकिर सामने है शेफ राहत तो मैं क्या करता था कि किचन में खड़ा होता होता था कैमरा कुछ भी नहीं नूडल्स तो मैं अपने आप से जो है टीवी शो बना, बना तो शौक शौक है, है, हाँ, टीवी शो बड़ा मजा आता बात आपके साथ पहाड़ी इलाकों में जो है कुछ ऐसे वाकत हुए के जिनको डिस्कस करना इस पॉडकास्ट में बनता है क्योंकि मेरा you know, <laughs> है मेरा यू नो सवाल है इंटरेस्ट ही है <laughs> इंटरेस्ट ही है बहुत अच्छा है और है। बहुत मज़े का सवाल है ये और आपका ये पॉडकास्ट भी बहुत मज़े का Thank है इसी वजह से कि इसमें इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग वाक्या सुनने हाँ। को मिलते हैं और वही वाली बात मैंने कही कि ऐसी बातें हम टेलीविजन पर नहीं बता सकते हैं सबसे पहले मैं एक चीज़ क्लियर करूँ कि किन लोगों के साथ ये वाक्यात होते हैं ये उन लोगों के साथ होते हैं जिनका और ज़रा कमज़ोर होता है Okay. अगर हम ये समझे कि ओ मैंने देख लिया तो हम बड़ा हूँ नो आपका और कमजोर है आप कहीं से वीक है इस मामले में तभी आपको ये चीजें तंग भी कर रही हैं और एग्जिस्टेंस उनकी महसूस भी हो रही है तो मैं अपनी अमंग माय फ्रेंड्स मेरा उन सब से और जरा सा कमजोर है कम्जोर। एक आध और दोस्त का होगा शायद लेकिन मुझे चीज़ें जल्दी फील हो जाती हैं मैं कहीं जाऊं मुझे फ़ील हो जाएगा कि यहाँ पर जो है आ, कैसा है hmm. अच्छा है बुरा है तो जो जगह है मैं आपको बताती हूँ जहाँ पर मुझे बेस्ट फीलिंग आती है पहाड़ों पर okay. मुझे नारायण में बहुत अच्छी फीलिंग आती है ठीक okay. है मुझे वहाँ बहुत अच्छा आया था ये अपना चित्राल में बहुत अच्छी फीलिंग आती है देन गज़र में गिलगित गितज़र में okay. पर मुझे हंजा में अच्छी फीलिंग नहीं आती Okay. वहाँ पे हमारे साथ वाक्या भी हो चुका है उधर हंसा का भी okay. भी। चित्राल का जो वाक्या है hmm. वो कोई खौफनाक ऐसा नहीं कि जिसमें जो है वो आ, डर लगे लेकिन क्योंकि मेरे साथ उस वक्त हुआ तो मैं बहुत ज्यादा खौफ ज्यादा हो गई थी लेकिन लोगों को मैं डराना नहीं चाह रही हूँ ये वो होता है ना कि जिसके हाँ, साथ होता है उसी को पता होता उस वक्त है उस उसको फील होती है चीज तो मैं अब उसके लिए केयरफुल भी होने लग गई हूँ जो मैं पहले केयरफुल नहीं थी खैर सर्दी का टाइम था तो वहाँ पर मैंने ख़ुद मैंने कहा ना कि मेरी वजह से हुआ वो इस तरह से कि मैं एक ऐसे रूम में जाना पसंद किया जो बिल्कुल कॉर्नर का कमरा था okay. और वहाँ पर लोगों का आना जाना नहीं था ठीक है तो दैट वॉज़ माई चॉइस तो इस वजह और मैं अकेली वहाँ पर थी सिर्फ एक चौकीदार होता था और एक मैं थी तो उस रूम वो रूम था उनका बहुत पुराना मतलब वो आपसे समझने कि एक से डेढ़ सदी पुराना वो जो है वो जगह है उनका जो पूरा जो उनका एरिया बना हुआ है और वहाँ पर लोग बहुत कम जाते हैं उसकी ख़ास रेनोवेशन भी नहीं हुई हुई पुराने ज़माने का अभी तक वो स्टाइल है जो मुझे बहुत पसंद था मैंने कहा बस आई वॉन्ट टू स्टे इन दिस रूम आई डोंट नो वाई बट आई रियली वांट इट टू तो सर्दी थी मैं अकेली थी सिर्फ चौकीदार बाहर था और आ, मैंने कहा चलो मैं यहाँ पर जो है आज मैं रात को स्टे करती हूँ तो वहाँ पर आग भी चल रही थी मतलब आग चलाई हुई थी क्योंकि सर्दी लग रही थी वहाँ पर बहुत ज़्यादा कोई हीटर का इंतज़ाम नहीं था उस वाले रूम में तो रात में मैं आराम से सो गई जैसे मैंने जैसी, अच्छा मुझे समा उधर बैक इन माइंड मेरी चीज़ थी कि जैसी आग खत्म होगी मुझे साथ कुछ ना को होगा

और अब कई कई अरसा ऐसा हो गया कि लाइट जला कर ही सो रही लाइट बंद करके नींद नहीं आती तो उस वहाँ पर मैं सो रही ऐसा ऐसा वो जो आग थी वो बिल्कुल बुझ गई ना अच्छा मैं डीप स्लीप में थी डीप स्लीप में जैसे ही थी तो मुझे ऐसे लगा कि ना कोई बहुत बड़ा सा साया ना मैं सो रही हूँ कंबल ऊपर है वो कोल्ट था ऊपर है और ना मुझे सोते हुए महसूस हुआ कि कोई बहुत बड़ा सा साया यूं करके आया है और ना मैं आ, मतलब जो वो जो सबको ये उनको फ़ील होता होगा एक भारी पनसा हो गया कि यू कान मूव आप मूव नहीं कर पाते आप एकदम यूँ जाते और मुझे फ़ील हो रहा है कि कुछ है ऊपर ना कोई बहुत बड़ा सा थोड़ी देर बाद उसी ने क्या किया साय ने कि वो मेरा जो कोयल्ट था उसको ज़ोर ज़ोर से ऐसे 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 करके ना जिस तरह कोई उतारने की कोशिश कर रहा कोल्ट के उतर जाए ना तो ऐसे रोल हो रहा था मेरे सामने वो क्वल्ट जो था पूरा रोल रो रहा है रोल हो रहा है रोल रहा उतनी देर में रोल होते होते मुझे एक चीज़ फील हुई कि यहाँ पे किसी ने कुछ मारा है कुछ ना कुछ लगाया था कुछ ना तो खैर उसके बाद फिर जैसे मैंने मैंने कलमा पढ़ना शुरू किया कलमा पढ़ा और मैं नींद में बहुत मुश्किल से उतना आयतर कुर्सी पढ़ना शुरू की जैसे मैंने पढ़ी वो चीज़ जो है ना एकदम से ऐसे लगे कि कोई चीज़ आपसे ज्यों करके निकल गया अच्छा मैं हमेशा ये करती हूँ कि कलमा और आयतल कुर्सी ये मतलब मैं हमेशा जब भी में और ये मेरे साथ रूटीन में चीज़ें होती रहती हैं अगेन मैंने कहा और इज वीक ठीक है ना तो उसके बाद फिर मैं जब उठी ना जैसी उसका खौफ भी आ रहा था मुझे कि अकेला रूम में मैं क्या कहूँ मैं उठी मुझसे मुझे ये हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं दरवाज़ा खोल के बाहर चौकीदार को भी देखूं बस अगेन आई वाज वेटिंग फॉर फजर के सुबह हो रोशनी हो तो मैं उठूँ लेकिन जो जो अगर मैं सोचूं शायद मेरा ख्वाब है लेकिन जो स्क्रैच था ना यहाँ पर रह गया था oh. स्क्रैच वज तो जब स्क्रैच था और मुझे यहाँ पे पेन हो रहा था मैंने कहा समथिंग वॉज दैर दैर वॉज वेरी स्ट्रांग ये कोई चीज़ वो नहीं थी जो आपको इर्द गिर्द आ रही होती है कोई बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चीज़ थी और जो मुझे बाद में जो फीलिंग आई कि वो उस जगह पर एग्जिस्टेंस था उसका मतलब वो उधर रहती थी वो, थी वो चीज तो उसको अच्छा नहीं लगा मेरा आना अच्छा बारक्स इसके जब वो फैमिली मेम्बर्स वहाँ पर होते हैं उनको तंग नहीं करती तो फैमिली मेम्बर्स से पूछा उन्होंने कहा हम भी यहाँ पे स्टे करा हुआ है जो वहाँ के खुद रहने वाले हैं उन्होंने कहा कि क्योंकि उनका ये था कि वो एनएक्सी है उनका अपना घर दूसरी सामने ये एनएक्सी है तो उन्होंने कहा कि हमें कभी फील नहीं हुआ तो फिर मैंने एक अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू सोचा कि शायद ये इनको तंग नहीं करती हुई फैमिली मेम्बर्स को आउटसाइडर थी इसलिए उन्होंने जो है वो तंग किया अच्छा इसी तरह हम एक और रिजॉर्ट में थे तो वहाँ पर सब फ्रेंड्स बैठे हुए थे तो उधर जैसे हम लोग यही सारी बातें कर हिसाब से कर रहे बातें अभी यहाँ पर शुक्र है कोई ऐसा वाक़ नहीं हुआ बातें करते करते अभी करते। तक नहीं हुआ हो जाएगा हो जाएगा वो मैं अगर हम चाहें तो ये चीजें हो सकती हैं you know, हम उनको बिलीव कराएं कि आप हैं और you know, हमें existence दिखाओ तो दिखाना शुरू कर देती है ठीक है हमने जब बात करने लगे थे इसी तरह ही तो उन्होंने जैसे ही बात करने लगे एक ने एक किस्सा सुनाया दूसरे ने दूसरा सुनाया थी। और हम बता ये नहीं कि बच्चे बच्चे बैठे हुए बड़ी बड़ी उम्र के सब लो बैठे थे। लोग बैठे हुए मेच्योर लोग बैठे हुए थे और वहाँ पर जैसे ही बातें शुरू हुई एक ने किस्सा सुना दूसरे ने सुना तीसरे सुना चौथे किस्से पर लाइटें जलने भुजने लग गए पूरे और पूरा रिजॉर्ट अंधेरा और रोशन अंधेरा और रोशन हम लोग वहाँ से सब अचानक से राइट देखा ना लेफ्ट सब उस जगह से भागे मतलब सब भागे लिटरली मतलब उस वक्त वो माहौल ऐसा बन गया ना कि निकलो निकलो भागो यहाँ से भाई भागे और कमरे में चले गए अगेन वो हम फजर का वेट कर रहे Hmm. फजर होगी तो सोएंगे और सबको लहदा लहदा कमरे मिले हुए थे इसलिए सब जो है ना वो अपना अपना वेट कर रहे कोई कमरे से निकल ही नहीं रहा मैं देख रही हूँ कि एक सिर्फ साहब आए बाहर उन्होंने कहा कि कुछ मैं कहा नहीं ऑल गुड क्या, क्या क्या मैंने कहा फजर का वेट कर रहे हैं नमाज पढ़ के सोएंगे <laughs> अच्छा आप, आप पहली खातून है जिसने जो है ना कराची से बाहर किसी शहर के बारे में बताया हाँ। कभी किसी गेस्ट ने ये नहीं बताया कि भाई लाहौर में ये हुआ है इस्लामाबाद में ये हुआ आपने वाहिदे है जो कराची से निकल के बताया मुझसे भी कराची वालों का ही इंटरव्यू लिया होगा ना मैं नहीं मतलब मैंने लाहौरियों का भी लिया है ऐसी बात नहीं है तो उनके साथ भी कराची हाँ। हाँ। वाक क्या वार? उनके साथ भी वो बोलते हैं लाहौर में ऐसा कोई इसकी एक बात बताती क्यों है वो बोलते हैं इस्लाम जो कराची में ही होता है लाहौर में हमारे साथ कभी मैं आपको एक चीज बताती हूँ आ, लोग मेरी मेरी बात को पता नहीं कुछ लोग कहेंगे कि शायद ये ऐसी कह रही है पता नहीं मुझे ऑनर कहना भी चाहिए या नहीं कहना चाहिए इस पर मैंने थोड़ी सी रिसर्च किया असल में सही. कि वाकई आपने सही कहा जब मैं इस्लामाबाद जाती हूँ लाहौर जाती हूँ वहाँ की फील अलग होती है वहाँ पे मैं फील भी अलग कर रही होती हूँ okay. जैसे मैं कराची में आती हूँ और स्पेशली हम जो डी के एरिया में रहते हैं उनकी फ़ील एक अलग ही हो जाती है तो एक तो ये कि आपको अपनी पढ़ाइयाँ ज़रूर पढ़नी चाहिए पढ़ाइयाँ मतलब ये कि अल्लाह का कलाम जो कला है ना ज़रूर पढ़ें जो कराची वाले हैं स्पेशली डी के पास जो इधर समंदर के पास जो रह रहे हैं इसके okay. मैंने एक थोड़ी सी रिसर्च निकाली मैंने पूछा कुछ आ, ऐसे लोगों से जो आ, इन पे जो काम कर रहे होते तो उन्होंने कहा कि जितना भी जादू टोना होता है वो होता है पानी पर ओके okay. और आपने अक्सर किसे भी सुने होंगे कि कोई समंदर पर जाके एक टांग पे खड़ा होकर पढ़ रहा है और अक्सर आपने देखी होंगे वहाँ जाके लोग बैठे होते हैं और कुछ पढ़ाइयाँ पढ़ रहे होते हैं आई थिंक इस पर कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए कि कोई ऐसे जाके रात में जाके कोई खुदाइयाँ कर रहा है कोई दबा रहा है कुछ ये कर रहा है hmm. तो ये जो चीज़ है ना इस पे उन्होंने कहा कि यहाँ पर क्योंकि जादू टूना बहुत ज्यादा होने लग गया है हम उन बलाओं को दावत दे रहे होते हैं तो जब बलाओं को दावत देते हैं तो बलाएँ से वहाँ तक नहीं ती हैं फिर वो एंट्री भी कर लेती हैं अपनी तो इस वजह से कराची का और भी एक बिगड़ता जा रहा है आप ये देखें जो साफ जगह होती है उधर गंदगी भी बढ़ती चली जा रही है लोगों का ये शोर भी खत्म हो गया कि हमने साफ करना है, अपनी है को तो क्योंकि उनको उन चीजों को गंदगी में रहने का शौक भी होता है बहुत पॉइंट की बात तो इस वजह से कराची में आपको वाकत ज्यादा सुनाई दे और ये आपने जो सीवी वाली बात की है ना मुझे बिल्कुल याद है ऐसे कुछ टाइम पहले रेस्टोरेंट बना हुआ सीवी के ऊपर आ, इसी के आगे वाली जगह पे जो मिट्टी वाला एरिया है ना वहाँ पे ख़ातून जो है ना कुछ बैठ के चीख चीख के पड़ रही थी और उन्होंने आग लगाई हुई थी और उसकी वीडियोस भी आई डोंट नो शायद शायद हो सकता है शायद यूट्यूब पर भी हो बट आ, वहाँ के लोगों ने कंप्लेन भी की थी कि भाई खातून क्या कर रही हैं लेकिन वो उसका कुछ नहीं कर पाए थे क्यों क्योंकि वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रही बैठ हाँ, के चीख चीख कुछ कह नहीं, नहीं सकते हैं ना किसी को ये चीज़ हाँ ये बात भी है कि वो अपना वो, लेकिन फिर भी मतलब हर जगह के नॉर्म्स होते हैं हर जगह की आपकी एक सिविलाइजेशन होती है कि आपने यहाँ पर ये चीज़ करनी है यहाँ ये चीज़ नहीं कर सकते हैं तो अगर मतलब वो अवाम की जगह है तो वहाँ पे अवमी ही कुछ भी नहीं है सकते। ऐसी चीज़ मैंने इस्लामाबाद में भी देखी थी एक जगह एक बंदा जो था वो बैठ कर वो पढ़ी जा रहा था पढ़ी जा रहा था वहाँ पर वो आ, मजार नहीं था लेकिन एक गार्डन सा था जहाँ पर जो है ना वो आ, कोई बुजुर्ग की वहां पर जो था वहाँ पर मौजूद थे तो उसके बराबर एक जो दरख्त था वो काफी सदी पुराना दरख्त है तो उस दरख्त के पास बैठ कर वो कुछ साहब पढ़ रहे थे आई गॉट इरीटेटेड एक्चुअली इससे कि यार ये बैठ कर पढ़ रहा है यहाँ पे वॉक कर रहे हैं हम यहाँ पे उठना है बैठना है जाना है मतलब क्या पड़ रहा है किसी भी चीज़ को दावत दे देगा वो तो वो जो है वो आ, सही नहीं था अच्छा मैंने मैंने सुना है कि अगर किसी पर कोई जादू हो तो वो ट्रैवल कर ले कहते हैं कि जादू तो आप सात समंदर पार ट्रैवल रहे हैं तो जादू खत्म हो जाता है ये क्या मैं आपको बताती हूँ जादू खत्म नहीं होता लेकिन उसकी पावर जो है ना वो वीक हो जाती है ओके क्योंकि अः जिनाच होते हैं तो ट्रैवल कहीं पर भी कर सकते हैं उनके लिए कोई मुश्किल बात थोड़ी होती है लेकिन ये मतलब इंतहाई ये, कोई कहता ना कि गंदा जिसे हैं ना अमल है और ऐसा अमल है कि जिसकी कोई माफी भी नहीं है और ये अमलियात हो रहे हैं मुझे अफसोस इस बात का होता है मैं मैं कह रही हूँ कई लोग कहेंगे क्या बातें कर रही है लेकिन हो रहे हैं आजकल लोग जॉब्स लेने के लिए एक के ऊपर दूसरे के ऊपर जादू टोना कराना फिर बड़ी बड़ी पोजीशंस पे आने के लिए करवाना लेकिन मैं सच्ची बताऊं उन लोग का एंड इतना बुरा होता है कि वो सोच भी नहीं सकते उसके बाद बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। वो किसी पर किसी को तो नुकसान दे देंगे लेकिन उनका एंड बहुत बुरा होता है मैं आपको एक बात बताता हूँ आज से कुछ चार दिन पहले मेरे साथ क्या हुआ मैं अपने घर आ रहा था और मेरे जो घर की सड़क है वो बहुत चौड़ी है अब उस चौड़ी रोड पे सड़क के बिल्कुल बीचों बीच एक पतीली पड़ी हुई थी ठीक है अब ऑफ कोर्स एक साफ़ सुथरी सड़क के बीचों बीच पतीली रखी हुई है अच्छा वो पतीली कुछ ऐसी भी नहीं कि भाई किसी की गिर गई हो क्योंकि वो इतनी परफेक्टली बीच में पड़ी हुई थी कि कोई भी गाड़ी हो उसके ऊपर से गुजरने गुजरना है अच्छा मैं मैं गाड़ी लाते 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 बेगम ने बोला अरे पतीली क्यों पड़ी हुई है मैंने बोला अरे मैंने भी बोला पतीली देख रहा हूँ मैंने गाड़ी रोक दी मैंने साइड से गाड़ी निकाली और मैंने पतीली के अंदर झाँका तो उसके अंदर काला तेल पड़ा हुआ था ऑयल ठीक है, पास वीडियो हाँ। तो मैंने बोला ओके अच्छा ऑयल से बेसिकली मुझे जादू इसलिए पता है क्योंकि जब मेरा बिजनेस था ना, तो अल्लाह का शुक्र है बहुत बूम करके मेरा एक पिज्जा शॉप थी तो बूम करके वो चलती थी बाहर मेरे पास राइडर्स की लाइन लगी रहती थी कि भाई क्योंकि वो डिलीवरी काउंटर था वहां पे तो जो गेट मैं यूज करता था ना उस गेट पे अगले दिन मैं क्या देखता हूँ कि बहुत सारा किसी ने काला तेल फेंका हुआ है अब बिल्कुल वो वाइट पेंट हुआ हुआ था अब अगर किसी को दीवार गंदी करनी होगी ना तो ब्लैक स्प्रे ला के कुछ नाम लिख देगा या कुछ भी अला बल कुछ भी बना देगा लेकिन कोई एक ये गेट है उसके अंदर एक और गेट है किसी ने अंदर बाकायदा जो ना वो काला तेल फेंका हुआ मैंने शहरी लड़के का बोला वो, वो शेफ था मैंने बोला यार उसको साफ करना क्या अजीब कोई जालत कोई तेल फेंक के चला गया आ नाजिया आप यकीन कीजिएगा उस दिन के बाद मेरी पचास रुपये की भी सेल नहीं हुई जहाँ एक दिन पहले मैं डेली लाख डेढ़ लाख की सेल हो रही होती थी उसके अगले दिन से मेरे पास जीरो सेल कोई पचास रुपये की कोई पेप्सी भी नहीं खरीदा पानी की बॉटल भी नहीं ले रहा मैंने बोला ये क्या सीन है कराया तो 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 था पेर? सुने तो अब किसी से पता कराया था ना बोला किसी ने कुछ हरकत कर दी है आप सदका वगैरह निकालें मुर्गी वहाँ छोड़ दी थी मैंने कुछ टाइम भी उन्होंने सब बताया गया मुर्गी छोड़ दे काली हाँ। मुर्गी हाँ। और वह ज़िबा करें इन अल्लाह बेहतर करेगा ठीक है जी अब वो कर लिया सारी चीज़ें हो गई अब थोड़ा थोड़ा बेहतरी होना शुरू हुई अच्छा अब मैंने क्या किया मैं ये गेट यूज़ करना मैंने छोड़ दिया मैं दूसरा गेट यूज़ कर रहा हूँ जो बराबर वाला गेट था अब एक दो तीन चार हफ्ते लगे महीना डेढ़ महीना लगा थोड़ी मेरी सेल बेटर हुई थोड़ा हाँटी के रश बढ़ा सही सारी चीज़ें चल रही कुछ टाइम बाद उस पर भी किसी ने काला तेल फेंक दिया अब जब तो उस पर जो तेल फेंका ना उसके बाद नाजिया यकीन कीजिएगा कि मैं कर्ज़ों में चला गया मेरा कारोबार बंद हो गया और आ, मुझे कारोबार बंद करना पड़ेगा चलता हुआ रनिंग चीज़ मतलब एक जो है मैं तीन चार साल से चला रहा हूँ वो ठक करके हफ दो तो, तीन हफ्ते में बिल्कुल बंद ख़त्म तो तेल तो मेरे दिमाग में था तेल से कुछ ना कुछ, कुछ, ना, कुछ तो कुछ जरूर है। भंड है <laughs> तो वही तेल वो पति ही हाँ। में देखा मैंने मैंने बोला यार किसी ने जो है ना किसी के अच्छा तो एक यहाँ कॉन्सेप्ट है जो बड़े बुजुर्ग नहीं कहते कि बेटा अगर किसी पे कुछ हुआ तो तुमने कोई चीज फलांगी है एक ये कॉन्सेप्ट भी होता है ना कि अगर किसी पे हावीप हो जाए या कुछ पोजेस्ट हो जाए कुछ हो कि आपने कोई चीज फलांगी थी कोई कपड़ा हो गया कोई इसी चीज की कोई तावीज हो गया अगर आप वो फलांगते हैं तो आपके ऊपर भी एक हो जाता है उसका असर, हो जाता है तो उसकी मैंने अभी चार दिन पहले वीडियो बनाई मैं साइड से निकला था तो इतनी गलत लोग मुझे समझ नहीं आता लोग इतने फारिक क्यों होते हैं यार फारिक नहीं क्योंकि वो शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं ना हाँ। मेहनत नहीं करनी शॉर्टकट ढूंढना है तो सारी हाँ। बात है उनको कोई ना कोई शॉर्टकट किसी के किसी को गिरा कर कोई कहता है कि वो ऊपर आना ये अब एक सोच जो है ना माइंडसेट ये बड़ा हाँ। खौफनाक है ये बहुत खौफनाक माइंड सेट है क्योंकि वो अपने आप को दूसरे को तकलीफ दे रहा है वो अपने आप को भी दे रहा है हमेशा अपना और जो है ना उसको आप मजबूत कर लें सात दफ़ा दुरुज शरीफ सात दफ़ा आयतुल कुर्सी सात दफ़ा आपने अलहम शरीफ पढ़ने और सात दफ़ा जो चारों कुल है वो पढ़कर अपने ऊपर आपने फिर दुरुज शरीफ पढ़ के सात दफ़ा अपने ऊपर आप फूक दें पानी पर फूक के वो भी आप पीते रहे मैं सीरियसली बता रही हूँ अल्लाह के कलाम में जितनी ताकत है उसके बाद मेरे साथ वाक़ात नहीं हुए छोटी मोटी जो चीज़ें हुई जब मैं भूल जाती हूँ पढ़ना Hmm. अच्छा उसके अलावा ये कि हम YouTube की बात कर रहे थे ना कि कई ऐसे, ऐसी है जो हमें भी दिखा रहे लेकिन ये पढ़ने से आपका ये काम हो जाए देखिए वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दे रहे हैं वो अपने यूट्यूब से अर्न कर रहे थिंग लेकिन आपको वो कोई चीज आपको पढ़ने के लिए दे रहे हैं ना फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं सीरियसली बताऊँ वो पढ़ाई जो है देखिए एक तो नुरानी है अल्लाह का कलाम है उसमें कहीं पे कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें मैं कहूँ कि दो राय और कोई एक जायदाद थी जिसको सेल करना था तो उसके लिए पढ़ाई की सीरियसली जैसा लिखा था उसमें वा, 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 सुभान उसके अलावा ये कि जादू टोने के लिए भी जो कहते हैं ना कि जादू टोने की काट भी है इसमें आप ये सुने तो ये अच्छा है आपके लिए अल्लाह का कलाम जब वो पढ़ रहे हैं तो नेचुरली उसमें मैं कहती हूँ एक अल्लाह ने ताकती बहुत ताकती भी है तो मैं सबको ये कहूंगी कि अपनी नमाज को जरूर कायम करें और साथ में कलाम जरूर पढ़ें। ये देखें ये हल है चीज़ों के बाबा पे जाके बैठ जाना वो आपको ये तो बता देंगे आपके साथ ही है साथ वो हल है। नहीं निकालेंगे जब तक अपनी जबान से आपने अदायगी नहीं की आपने कहा ये तावीज कर लो ये यूं कर लो ये यूं कर लो नहीं अपनी जबान से अदायगी करना जरूरी है तो ये तो मेरा खैर एक मैसेज है जो मैंने लोगों को दिया फिर हमने जिस तरह कहा कि ये चीज़ें हो रही हैं अल्लाह ताला उनको नेक हिदायत दे और लोगों से मोहब्बत करने की हिदायत दे तीसरी चीज़ यह कि जो मैंने एक जो वाक्य तो ये वाला सुनाया था फिर कई ऐसी मैंने जगह देखी जब मैंने बताया कि चित्राल में मुझे जो है ना बहुत खूबसूरत मतलब वहाँ का मुझे ना और बहुत पॉजिटिव लगता है पॉजिटिव पीसफुल ना एक पहाड़ पर मेरी वीडियो भी है जहाँ पे लिखा है अल्लाह का नाम आपको मैं वो भेजूँगी बेटी और बाकी ये जब आप दूसरे एरियाज में जाते हैं तो उनमें मुझे गज़र बहुत अच्छा लगता है गज़र में एक झील है जहाँ पर मुझे जब भी जाती हूँ वहां पर जाके बैठती हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि मगरब के टाइम पर ना वहाँ पर ना सामने मूवमेंट हो रही है जिस तरह और वो ऐसी झील है जिसका अक्स जो है ना वो हाँ। पहाड़ का अक्स उस पूरी झील पर आता है लेकिन क्योंकि सामने वाली जगह पे लोग नहीं जा सकते हैं बताया ना कि जहाँ पे लोग नहीं जा सकते वहाँ पर तो वहाँ पर सामने से फील होता है कि कोई चीज़ें जो है ना उनकी मूवमेंट है आपस में ना एक उस जगह पर है फिर वहाँ पर एक बहुत बड़ा एक ना पहाड़ के ऊपर दरवाज़ा टाइप का बना हुआ है नेचुरल ऐसे अच्छा। ऐसे बहुत तो सब वहाँ के लोग ये कहते हैं कि जिन्नात का दरवाजा है ना यहाँ से जिन्नात आते हैं और जाते हैं अब हम लोग सब यही सोचते हैं इतने ऊपर पहाड़ में किसे जाके इतना बड़ा पेंट किया होगा मतलब वो बहुत बड़ा दरवाज़ा और वो वहाँ पे बारिश होती है सब होता है नहीं वो मिटता वो इतना बड़ा दरवाजा है मतलब दरवाजा मतलब एज दरवाजा नहीं है लेकिन एक, 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 ऐसे एक, एक, बनी एक फील है फील आती कि वो दरवाजे जैसी फील ना तो वहां पर मतलब इस टाइप के जो है फिर एक वाक्य हमारे साथ हंसा में हुआ था कि हम वहां पर थे तो मैं और अब मैं हम तीन दोस्त थी एक दोस्त जो है उसका और बड़ा स्ट्रांग है वो आराम से सो रही थी बाकी हम दो दोस्त जरा वीक थी तो सोते सोते एकदम एक ही टाइम में वो उठी और एक ही टाइम में दम और वो जो थी ना ऑलरेडी करके सांस ले रही है अच्छा उसको ऑलरेडी नजला हुआ हुआ था तो उसके साथ ही फिर थे मैंने कहा शायद मुझे साइनस हो गया क्या हो गया सर्दी है मैंने जाके नाक वाक साफ किया विक्स लगाई अपने आप को मजीद कवर किया हालांकि बहुत ज्यादा कवर थे लेकिन ये कि वहाँ पर वो उस वक्त तक जो है ना हमें खैर वो दम घुटता रहा फिर हमने अचानक वहां का वॉशरूम का दरवाजा वो खुद ब खुद खुल गया हुई हुई और हुई हुई। वहां पर मतलब फिर अंदर गई मैंने मैंने मैं मैं डरूंगी नहीं वही वाली बात डरना नहीं है डरना नहीं अपने दोस्त को संभाला के वह खौफ ज्यादा थी उस वक्त नहीं।, <laughs> नहीं ऐसे टाइम एक दूसरे का ना साथ देना आ, साथ बड़ा नहीं, जरूरी मैं मैं नहीं, है। है। नहीं यार कुछ नहीं नहीं देयर वाज समथिंग अराउंड मैंने कहा नहीं, नहीं नहीं कुछ नहीं है कुछ नहीं है देखो ऑल क्लियर मैंने कहा तुम आयत पढ़ो आयत पढ़ो आयत पढ़ो आयत पढ़ो और उसको हमने पढ़ना शुरू किया मैं सीरियसली बताऊँ फिर वही हुआ जैसे हमने पढ़ना शुरू किया ऐसा 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 लगा कि जो जगह है वो क्लियर होती चली गई है वो एकदम है, भारी पन होता है, भारी पन भारी होता पन है। से सारे हल्का पन होता चला गया और फिर हम दोनों जो है ना वो से, फिर सकून से, मतलब और सुबह उठे तो उसने देवास। मैं, येस देवास पर मैं बोल नहीं सकती किसी को चेक करना हो ना की जगह पे कुछ है या नहीं है तो अगर आप वहाँ जाएंगे तो नेचुरली आपके जो शोल्डर वो भारी होना शुरू हो जाएंगे आपको पता चल जाएगा कि भाई यहाँ पर जो है ना कुछ गड़बड़े जिसके हर वक्त भारी रहते हैं उसका क्या होगा उसको डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है उसका डॉक्टर दिखाने की जरूरत है अच्छा मैं कभी वैसे करदू इस साइड नॉर्थ नहीं गया आ, क्या जाना चाहिए मेरे जाना चाहिए क्यों नहीं जाना चाहिए वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको हर्ट करेगी या कोई ऐसी चीज़ होगी और कई लोगों के साथ वाक़ होते तो हैं कई लोग एडवेंचर के लिए भी जाते हैं और एडवेंचर तो है एडवेंचर तो है सिर्फ इस चीज़ का देखें ये तो एक वाक्य था ना ऐसा जो मैंने बताया कि मैंने खुद आप बैल मेरे सर मतलब खुद मैंने जो है ना अपने आप को हर्ट किया ना क्योंकि मैं ऐसी जगह खुद गई जो हॉन्टेड थी जो अकेलापन था अगर वहाँ पर आप ऐसे रिजोर्ट जाए जहाँ पर अच्छा एक बात बाबा तो मुझे हो मुझे होगा? लगता है चले आप तो पहाड़ों की बात की ना मुझे लगता है जंगल भी जो है ना वो वॉन्टेड होता है जंगल होते होते हैं हैं बिल्कुल देखिए और मुझे सॉरी आपकी मैं बात काट रहा हूँ मैं जंगल में गया था और मेरे साथ मेरे कैमरा था तो अब वहाँ जब हम गए ना सुन सन्नाटा खूबसूरत बहुत पीसफुल चिड़ियों की आवाज़ आ रही है और ये सारी चीजें लेकिन वहाँ पे कांस्टेंट एक फील था

ज़्यादा लोग नहीं होते वहाँ पे फील होता तो मैं गुजर रही थी गाड़ी में गुजर रहे थे अब किसी को नज़र नहीं आए मुझे वहाँ पर एक बंदा खड़ा हुआ नजर आया जैसे ही हम लोग हाँ। वहाँ से गुजरे तो वो एकदम फील आई वो अभी जैसे ही फील आई अच्छा मैंने कहा यहाँ पे कुछ था और मेरे दोस्त कह रहे हैं कुछ नहीं कुछ नहीं तुम्हें तुम तो ऐ भी फील एवं तुम फील करती रहती हो चीज़ एवीं बोलती रहती हो मैंने कहा शायद मैं एवं बोल रही हूँगी लेकिन उस रात को मुझे बुखार चढ़ गया जब मुझे बुखार चढ़ाना मैंने कहा इन दोस्तों को तो नहीं बताऊंगी लेकिन मुझे फील जो चीज हुई थी ना वो थी वहां पर वहां पर कुछ था कुछ एक तो बड़ा सा आदमी देखा जो हैट पहने हुए था लंबा सा और उसे हैट पहने हुए था देखे अभी तक मुझे याद है वो इसी तरह एक दफा मेरे घर पे भी फील मुझे आई थी वो पुराना घर था हमारा मैं छोटी थी उस वक्त तो उस तो जमाने डेक होते थे ना डेक है ना डेक वो अक्सर मैंने कहा जो ठीक भी करा दिया वो डेक अक्सर खुद खुल जाता था उसकी कैसेट बाहर आती थी बंद हो जाता था फिर खैर मैं तो इतनी टू हो गई थी उस चीज़ के लिए कि मैं दोबारा उसको चला थी डरना बंद कर दिया था वहाँ पर फिर उस जगह पे फर्स्ट टाइम एवर मैंने एक चीज़ देखी थी एक छोटी सी हाइट का एक बंदा था आदमी था जिस देखा जिसकी अजीब सी शक्ल थी और वो आके मुझे जो ना उठा रहा था नाजिया नाजिया जैसे उसने <laughs> उठाया तो बोला भी उसे

लेकिन फिर वही मुझे हुआ कि मुझे बुखार चढ़ गया और मैं मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई वो खौफ से हुई थी या क्या चीज़ थी पर ओवरऑल आज के प्रोग्राम में मैं सबको ये जरूर कहूँगी ये सब वाकत उस वक्त होते हैं जब आपका औरा को, और वीक हो और करने के लिए आप पढ़ाई करें पढ़ाई करें नमाज पढ़ें जो जिक्र करें बताया है, बिल्कुल करें। आप अल्लाह का जिक्र जरूर करें और कोई ऐसी चीज़ ना पढ़ें जिससे जो है कोई नेगेटिविटी हो अल्लाह का कलाम में पॉजिटिविटी है बल्कि जिंदगी में फ़ायदे ही फायदे होंगे कहीं से कोई नुकसान नहीं होगा अच्छा जब ये चीज़ें होती है ना या कोई कराता है मैं आपको चीज़ से बताऊँ आपकी जबान की बंदिश भी हो जाती है hmm. आप पढ़ने लगते हैं आपको पढ़ा नहीं जाता कभी ऐसा okay. भी ना कि आप पढ़ रहे होते हैं आपका दिल नहीं करता, दिल रुका नहीं नहीं आपको, फिर आपको उस पर आपको जबरदस्ती और जबरन आपको पढ़ना पड़ेगा तो आप अपने लेकिन जो लोग रेगुलर पढ़ रहे होते हैं ना उनको ये प्रॉब्लम नहीं आती मैंने इसलिए कह अपने साथ रेगुलर रेगुलर आप रहे मैं तो ईशा की नमाज के बाद जो ना टेन टाइम्स आयतल कुर्सी पढ़ता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह और अच्छा। वो ईशा से नेक्स्ट ईशा तक मेरा मानना है कि वो आई एम प्रोटेक्टेड थैंक यू सो मच नाजिया आप आई आपने वक्त निकाला में पहली दफा ऐसी है करती भी नहीं टीवी में ऐसी है। टीवी एक बहुत जगह है। जहां पर आपको बहुत सिलेक्टिव होना पड़ता है बहुत आपको सोच समझ के बात करनी पड़ती है हर चीज नहीं बोल सकते हैं तो अब यूट्यूब तो आपको पता है कि ऐसा मीडिया में जहाँ पे आप दिल की हर बात कर सकते जो हम वहां नहीं बोल सकते हैं हो जाते हैं क्या हो हैं ग्रेट चले थैंक यू सो मच फॉर कमिंग तो भाई ये थी आज की पॉडकास्ट लेट इन द कमेंट सेक्शन कैसी लगी मिलते हैं अगली पॉडकास्ट में बहुत सारा ख्याल रखिएगा पाकिस्तान जिंदाबाद अल्लाह